कांग्रेस ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसे लेकर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए हरियाणा को नशा मुक्त बनाने की बात पर कांग्रेस के आगे हाथ तक जोड़ दिए। विज ने कहा कि कांग्रेस आदतन धोखेबाज पार्टी है। जब हिमाचल का चुनाव था तब भी यही कहा था कि हम महिलाओं को 500 का सिलेंडर देंगे, लेकिन आज हालात क्या है, लोगों की तनख्वाह तक नहीं दे पा रहे हैं। ये सिर्फ धोखे का पत्र है, झूठ का पुलिंदा है और इसको बिल्कुल नदी में फेंक देना चाहिए। कांग्रेस आज अपना मैनिफेस्टो जो है वो जारी कर दिया है, किस तरीके से देखना है? देखिए, कांग्रेस आदतन धोखेबाज पार्टी। जब हिमाचल का चुनाव हुआ था तब भी इसी प्रकार का कि भी ये हम महिलाओं को देंगे, ये इतने का सरेंडर करेंगे। आज हालत क्या है हिमाचल में? आज इनके अध्यक्ष ने वो जारी करा, जाके पूछे तो सही, तनख्वाहें देने तक के उनके पास पैसे नहीं, तनख्वाहें देने से मना कर रहे हैं कि हम तनख्वाह नहीं दे सकते। जो घोषणा की थी कुछ नहीं, ये सिर्फ धोखे का पत्र है, झूठ का पुलिंदा है और इसको बिल्कुल नदी में फेंक देना चाहिए। वहीं अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने हरियाणा को नशा मुक्त बनाने की बात कही है, जिसे लेकर विज ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि इससे बड़ी कोई बात नहीं। ये लोग हिमाचल में बोलते हैं कि भांग बोएंगे और उसको बेचेंगे, हरियाणा में बोलते हैं मुक्त करेंगे। पार्टी तो एक ही है और जीतने के बाद कैसे रंग बदलती है, इसका उदाहरण है हमारे पड़ोस में। इससे बड़ी उन्होंने बात भी हिमाचल में कह रहे हैं भांग बोएंगे और उसको बेचेंगे, हरियाणा में कह रहे हैं मुक्त करेंगे। पार्टी तो एक ही है ना, पार्टी तो एक ही है। जीतने के बाद कैसे रंग बदलती है उसका उदाहरण है हमारे पड़ोस में।